ओम शांति। आज 9/4/2023 की बाणी है, अव्यक्त बाप दादा दा रिवाइज कोर्स। रिवाइज कोर्स की तारीख 9/3/1994। आज बाप दादा ने टाइटल दिया न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह अते सुख भरिया अवतरण शिव जयंती। न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह अते सुख भरिया अवतरण शिव जयंती। आज बाप दादा दोनों आखदे ने, आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालीग्राम बच्चियां नूं मिलन आए हैं। जिमें बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा हुंदी है, यादगार मनाउंदे है, तां बाप दे नाल नाल तुसीं सालीग्राम आत्मा की भी पूजा हुंदी है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया जाता है अते तुसी सालीग्राम आत्मावां अनेक हो। पूजा दोवां दी हुंदी है क्योंकि बाप ने बच्चियां नूं अपने समान पूज्य बनाया है। कदे भी सालीग्राम नूं देखदे हो तां की अनुभव करदे हो? ये असी ही हाँ, इवें लगता है। तां बाप ने बच्चियां नूं समान तां की पर अपने तो भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चियां दी पूजा डबल रूप विच हुंदी है, बाप दी पूजा एक ही शिवलिंग दे रूप विच हुंदी है। तुसी बच्चियां दी सालीग्राम दे रूप विच भी हुंदी है अते देव आत्मा दे रूप विच भी हुंदी है। बाप तो भी ज्यादा डबल रूप दी पूजा दे अधिकारी आत्मावां तुसी हो। जिमें डबल विदेशी कहलाउंदे हो तां डबल पूजा भी है, डबल ताजधारी भी तुसी ही बनदे हो। निराकार बाप नहीं बनदे। किथे किथे भगत लोग शिव दे प्रतिमा नूं ताज पा दिंदे है क्योंकि ताजधारी बनाया है, इसलिए किते किते ताज दिखा दिंदे है। पर बाप कदी भी रतन जड़ित सोने चांदी दे ताजधारी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ताज धारण हुंदा है प्रैक्टिकल विच, मत्थे विच। तां निराकार बाप नूं मत्था है कि शरीर ही नहीं है, तां ताज की धारण करनगे? पर स्नेह दे कारण ताज दिखा दिंदे है। तां बाप ने बच्चियां नूं अपने तो भी अगे रख्या है। इन्नी खुशी अते इन्नी श्रेष्ठ स्मृति रहिंदी है। बाप दादा नूं अपनी जयंती मनाउण दी खुशी नहीं है पर सब दी भी जयंती है, इसलिए बच्चियां दी जयंती दी खुशी है क्योंकि बाप इकल्ला कुछ नहीं कर सकदा अते तुसी भी इकल्ले कुछ नहीं कर सकदे। भावें किते किते किसे किसे बच्चियां नूं थोड़ा आ जांदा है कि मैं ही करन वाला हाँ, पर सिवाए बाप दे सफलता नहीं मिलदी। ता ना बाप इकल्ला कुछ कर सकदा, ना बच्चे इकल्ले कुछ कर सकदे है। जेकर बाप बच्चियां नाल मिलन मनाउण भी साकार विच चाहे जा आकार विच चाहे, तां ब्रह्मा दा आधार लेना ही पैंदा है। ब्रह्मा दे बिना भी कुछ कर नहीं सकदा, माध्यम दे बिना साकार मिलन नहीं मना सकदा। ता किन्ना प्यार बाप दा बच्चियां नाल है अते बच्चियां दा बाप नाल है। एक दो बिना कुछ नहीं कर सकदे। जेकर बाप तों किनारा कीता नाल नहीं रख्या तां इकल्ले कुछ नहीं कर सकदे हो। जेकर बाप तों किनारा कीता, बाबा आखदे ने, बाप कर सकदा है? बाप भी नहीं कर सकदा तां ये आम बाप अते बच्चियां दा नाल नाल दिव्या जन्म लेना, नाल नाल विश्व परिवर्तन करना अते नाल नाल अपने स्वीट होम विच जाना, ये ड्रामे दी अविनाशी नूंद है। इस नूं कोई बदल नहीं सकदा। तां ये नूंद चंगी है ना, प्यारी लगदी है ना? तां आज सारे बाप दा बर्थडे मनाउण आए है जो अपना। आज सारे बाप दा बर्थडे मनाउण आए हो जां अपना, बाप कहणगे तुहाडा अते बच्चे बाप नूं कहणगे कि तुहाडा। ये दिव्य अवतरण जिस नूं शिव जयंती जां शिवरात्रि कहिंदे है, किन्ना आत्मावां दे लई स्नेह भरिया सुख भरिया अवतरण है। सतयुग विच भी अजिहा बर्थडे नहीं मनाउणगे। आत्मावां आत्मावां दा बर्थडे मनाउणगियां, पर इस समय आत्मावां परम
आत्मा दा बर्थडे मनाउंदियां है। सारे कल्प विच अजिहा न्यारा अते प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय ते बाप दा भी होवे अते बच्चियां दा भी होवे। इवें कदी हुंदा है कि जेकर तारीख एक भी होवेगी तां बरे दा जां महीने दा जां डेट दा अंतर होवेगा, पर ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप अते बच्चियां दा नाल नाल है। इस यादगार दिवस ते विशेष भगत लोग भी दो विशेषतावां नाल ये दिवस मनाउंदे है। दो विशेषतावां केड़ियां है? एक विशेष वर्त धारण करते हैं अते दूसरा खुद नूं समर्पित ना करते हुए होर किसी की बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाण अते वर्त धारण करना ये दोनों विशेषतावां इस दिवस दियां है। अनेक प्रकार के वर्त धारण करते हैं, भावें कोई भोजन का करते है, कोई जागरण का करते है, कोई दूर दूर तो पैदल करते हुए चलन का करते, किन्ना भी थक जाण पर वर्त अपना पूरा करते हैं, भावें किन्ने भी दिन लग जाण, किन्ना समय भी लग जाए पर वर्त नहीं छड़दे। तो ये यादगार किस दी कापी कीती? थोड़ा है ब्राह्मण जीवन का वर्त अते भगतां दा है एक दिन दा वर्त। तुसी भी जदों ब्राह्मण जन्म अते दिव्य वर्त लिया तां की वर्त लिया? सदा अग्ञान नींद तो जागरण दा वर्त लिया, ना कि थोड़ा थोड़ा नींद करांगे ये वर्त लिया, जां थोड़े थोड़े झुटके खा लवांगे इवें तां नहीं कीता? तां तुसी सब ने भी शिव जयंती अते दिव्य बर्थडे दा जागरण दा वर्त लिया, इसलिए भगत भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। अते तुसी सब ने भी शुद्ध भोजन का वर्त लिया, इसलिए भगत लोग भी कुछ भी हो जाए भावें बीमार भी हो जाते हैं तां भी अन्न दे वर्त नूं तोड़दे नहीं। तां तुसी सब भी कोई भी मन दे अगे तन दे अगे परिस्थितियां आ जाण तां वर्त तोड़दे हो कि? कदी कुछ मिक्स खा लिया इवें करदे हो कि? कोई देखता ता है नहीं, चलो खा लिया, अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कच्चा हो। कदी कदी देख के थोड़ी दिल हुंदी है, एक ही जिहा खांदे खांदे कदी दूसरा भी खाण दी दिल हुंदी है। अच्छा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप एशिया अते रशिया सब पक्के हो ना, जा थोड़े थोड़े कच्चे हो? तो डबल विदेशी सब पास हो गए अते भारत वाले तो पास है ही ना, भारत वालियां नूं फिर भी सहज है, डबल विदेशियां नूं इस विच डबल मेहनत है, पर पास हो इस दी मुबारक। ता एक बर्थडे दी मुबारक, दूसरी पास होण दी मुबारक, अते तीसरी कदी भी हलचल विच ना आना, सदा अचल रहना, इस विच पास हो। इस विच कहीं कहिंदे है की करिए सम टाइम। अज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी इंजॉय ज़्यादा पसंद करते हैं ना। कुछ होना चाहिए, कुछ इंजॉय हो, इमें शांत शांत की करिए। तो बाप दादा शिवरात्रि ते इन्हां शब्दों का सब तो दृढ़ वर्त करवाते हैं। वर्त लैण दे लई तैयार हो जा जदों सुनगे कि ये तां थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, पहले तां मुश्किल शब्द संकल्प विच भी नहीं लियाउणगे। ये वर्त लैण दे लई तैयार हो तां बाप दादा ने देखिया कि जदों तक संकल्प विच दृढ़ता नहीं उदों तक सफलता नहीं हुंदी। संकल्प हुंदा है पर दृढ़ नहीं हुंदा तां कमजोरी आउंदी है। बहुत करके कमजोरी दे यही शब्द कहिंदे है की करिए वॉट। तां हुण वॉट नहीं कहना पर वॉट दी बजाए की कहोगे? फ्लाई मना उड़ना। तो जदों भी वॉट शब्द आए तो ब्राह्मणा की डिक्शनरी विच वॉट दी बजाए फ्लाई है। दूसरा शब्द की बोलते हो? वाए। वाए मना क्यों? तो वाए नू भी करनगे वाए बाए, सदा दे लई वाए बाए करांगे जा थोड़े टाइम दे लई। अते तीसरा शब्द की बोलते है? हाउ। तो हाउ मना किमें, नहीं नो इमें जानते हैं, किमें नहीं, नो मतलब जानने वाले।
ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਕਲ ਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਉ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਉ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨਾ ਹੋਵਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਉਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਗੇਟੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜਯੰਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਬਣਨਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜੁਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਵਾਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਠਾ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 6 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜਗਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕੇਕ ਕਿਹੜਾ ਕੱਟੋਗੇ? ਕੇਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਟੋਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਸੰਪੰਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਵੋ, ਖਤਮ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਕ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਟੋ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਾਓ, ਸਮਝਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓਗੇ, ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ, ਬੋਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਅਖ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ, ਬੋਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਅਖ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਅਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ, ਬੋਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਅਖ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ ਅਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼, ਕਦੇ ਉਦਾਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਜਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਿਕਾਲੋ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਏਗੀ ਨਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ? ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦਿਲ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੀਤ ਸਦਾ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ?
मिठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा ये गीत गाते हो ना सदा ये गीत ऑटोमैटिक बजता रहे इवें नहीं सैल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए बैटरी स्लो हो जाए नहीं जब बैटरी स्लो होंगी है तो पता है किमें गीत गाते हो सब नू अनुभव है ना फिर की हुंदा है मेरे है ता बाबा ता तो आ जाता है सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहोगे मेरा है ता बाबा मिक्स हो गए ना बैटरी सोल हुंदी है ता आवाज़ सोल हो जाती बैटरी स्लो हुंदी है ता आवाज़ स्लो हो जाता है अते उस विच ता दो तो शब्द हेड ऐड हो जाता है मेरा बाबा फलक नाल नहीं मेरा है ता बाबा ता शिवरात्रि मनाना बा मतलब ए दृढ़ बरत लेना अजिही शिवरात्रि मनाई ना जा सोच के पिछों जवाब दोगे अच्छा बहुत होशियार हो हुणे हुणे सोच लिया डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो अच्छा डबल विदेशियों ने मधुबन विच केड़ी विशेष सेवा की कीता ब्रह्मा बाप नूं प्रत्यक्ष किया स्टैप का फंक्शन मनाया विशेष योग भी लगाया ना पावरफुल योग लगाया तो विघन विनाश हो गए ना भावें मधुबन निवासियों के योग ने भावें डबल विदेशियों के योग ने भावें चारों पासे होर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना क्योंकि चारों पासे सब का ये एक ही संकल्प सी कि ब्रह्मा बाप नूं प्रत्यक्ष करना ही है फिर किसी ने भज दौड़ की सेवा की किसी ने वाचा की सेवा की पर जिन्होंने जो योग युक्त होकर सेवा की इवें दे सेवाधारियों सफलता की मुबारक कितनी खुशी हुई क्योंकि ब्रह्मा बाप नाल सब का अति सूक्ष्म प्यार है सब ने ब्रह्मा बाप नूं देखिया जा जानते हो कि कहोगे देखिया जा जाणिया है जो कहिंदे है असी देखिया है वह हाथ उठाओ जो कहिंदे है जाणिया है पर हले देखना है वह हाथ उठाओ थोड़े लोगों ने उठाया अच्छा अनुभव किया है ब्रह्मा साडा बाप है ये अनुभव किया है क्योंकि अनुभव भी एक अख है जिमें स्थूल अखा नाल देखा जाता है तो सब तो वड्डी अख है अनुभव अनुभव की अख नाल देखिया तो भी देखिया कहांगे जेकर अनुभव नहीं किया अते अव्यक्त रूप नाल अव्यक्त स्थिति द्वारा देखिया नहीं तो फिर अपना नाम दादियां नूं नोट करवाना तो वह अनुभव करा देणगियां रह नहीं जाना क्योंकि दूसरियां नूं स्टैप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो अते खुद नहीं करो तो चंगा नहीं है ना इसलिए जदों ब्रह्मा बाप दे चित्र दे अगे बैठते हो तो चित्र तो चेतना ते मिलन दी अनुभव दी अनुभूति नहीं हुंदी है रूह रिहान दा रिस्पोंड नहीं मिलता है मिलता है ना तो बाप है ता ही ते सुनादे है अते दिंदे है फिर भी इस अनुभव तो वंचित नहीं रह जाना समझा तो सब ने जो सेवा की विशेष भारत वासियों ने ज़्यादा सेवा का चांस लिया तो बाप दादा नाल नहीं लेंदे है पर सब अपने सेवा दे रिटर्न विच नाम सहित मुबारक स्वीकार करना डबल विदेशियों नूं भी सेवा का चांस मिल गया है चंगा लग्या ना नच रहे है ना अच्छा चारों पासे दे ब्राह्मण जन्म दे दिव्य जन्म दे अधिकारी आत्मावां नूं सदा बाप ते आप नाल नाल रहण वाले समीप आत्मावां नूं सदा डबल पूज्य स्वरूप की समृति विच रहण वालियां समर्थ आत्मावां नूं सदा दृढ़ संकल्प जा दृढ़ बरत नूं निभाउण वाले सफलता दे अधिकारी आत्मावां नूं सदा खुश रहण वाले अते होरनां नूं भी खुश करन वाले खुश नसीब बच्चियां नूं त्रिदेव रचता बाप दी अते ब्रह्मा बाप दी विशेष बर्थडे दी मुबारक भी होवे अते याद प्यार भी नाल नाल सर्वश्रेष्ठ आत्मावां नूं नमस्ते अज दा वरदान है अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकदियां होईयां आत्मावां नूं श्रेष्ठ टिकाणा देण वाले लाइट स्वरूप भव अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकदियां होईयां आत्मावां नूं श्रेष्ठ टिकाणा देण वाले लाइट स्वरूप भव आज बाबा आखदे ने जिवें स्थूल रोशनी माना लाइट उत्ते परवाने खुद आउंदे है इवें तुसीं चमकदे हुए सितारियां ते भटकदियां होईयां आत्मावां फास्ट गति नाल आउणगियां
इस दे लई अभ्यास करो हर एक दे मत्थे ते सदा चमकदे होए सितारे नूं देखण दा। शरीरां नूं देखणा देखदे बिना देखो, सदा नज़र चमकदे होए सितारे लाइट वल जाए। जदों अजिही रूहानी नज़र नैचुरल हो जाएगी तां तुहाडी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकदियां होईयां आत्मावां नूं सही टिकाणा मिल जाएगा। स्लोगन अचदा, सेवा दे महत्व नूं जाण, कोई ना कोई सेवा विच बिजी रहण वाले ही आलराउंडर सेवाधारी है। सेवा दे महत्व नूं जाण, कोई ना कोई सेवा विच बिजी रहण वाले ही आलराउंडर सेवाधारी है। चंगा, ओम शांति।